बच्चों, आज हम आपको जो स्टोरी नंबर एक थी आपकी दी गोल्ड वॉच, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कराए थे उसके बारे में आपको समझा रहे हैं। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन हमने बताया था, व्हाट वर दी संकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की क्या क्या समस्याएं थी और उसने क्या सोचा, उनका उपाय निकालने के लिए, उनका जो हल निकालने के लिए क्या सोचा। तो इसका आंसर ये था, शंकु हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स बट देयर वर मेनली टू प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु। शंकु की मुख्यतः, शंकु के पास बहुत सारी समस्याएं थीं परंतु मुख्यतः उसकी दो समस्याएं थीं। पहली, द एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली इन हिज स्मॉल इनकम। पहली मुख्य समस्या उसकी ये थी कि अपनी जो परिवार का खर्च था वो बहुत छोटी सी कमाई में करना भारी था उसके लिए, सबसे पहली ये समस्या थी। और दूसरी समस्या ये थी, टू रिपे द लोन विच ही ओड टू दी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और दूसरी समस्या ये थी कि जो उसका कर्ज था उसे चुकाने की, जो कर्ज लिया था उसने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसे चुकाने की समस्या थी। समाधान उसने इस तरीके से निकाला उसका, इट वॉज टू पिक अप द गोल्ड वॉच ऑफ हिज ऑफिसर। और इसका समाधान उसने इस तरीके से निकालने की कोशिश की कि वो अपने ऑफिसर की सोने की घड़ी चुरा लेगा। तो ये पहला था। अब दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग दी वॉच फ्रॉम द बिगनिंग। इन द बिगनिंग, तो शुरुआत में क्या चीज़ ऐसी हुई जिसने शंकु को घड़ी चुराने से रोका। तो आंसर देखेंगे, शंकु वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। शंकु को पकड़े जाने का भय हुआ कि कहीं वो कोई उसे देख ना ले घड़ी चुराते हुए। दिस थिंग्स स्टॉप्ड शंकु, दिस थिंग स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग दी वॉच। इस कारण से उसने वो घड़ी नहीं चुराई, ये बात उसे घड़ी चुराने से शुरुआत में इस बात ने उसे रोका। तीसरा, वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। वहन शंकु नो दैट हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वुड बी अनदर बर्डन, इट वुड बी अनदर बर्डन ऑन हिम, सो ही कर्ड हिमसेल्फ। उसने सोचा कि जब उसकी उस वैन डिड वैन शंकु नो दैट हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ गर्भवती है, तो उसने सोचा कि ये उस पर एक अलग प्रकार का बोझ होगा, एक अन्य बोझ बढ़ जाएगा उसके ऊपर। तो इस बारे में सोचकर उसने अपने आप को कोसा। तो ये तीन क्वेश्चन हैं शुरुआत में, इन्हें समझें, पढ़ें और याद करें। और आगे के जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं इस स्टोरी के, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।